मेरी आवाज आ रही है ना? अब आ रही है, अब आ रही है, क्लियर आ रही है, अब क्लियर आ रही है। हाँ, मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया था, उसको डिस्कनेक्ट किया। तो ओके जो भी है स्टूडेंट्स अभी, और प्रदीप जी ने आपको अपडेट दे दिया है, मॉर्निंग में भी दिया था, और न्यूज से भी आप लोगों को पता चला होगा दैट वी हैव मूव टू बॉम्बे हाई कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज क्लोज्ड। तो इसलिए फिर डिसीजन लिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट मूव करेंगे। और वहाँ पे भी इतना इजी नहीं था, वैकेशन चल रहा है वहाँ, वैकेशन बेंच में बहुत कम जजेस होते हैं जो रहते हैं वहाँ पे। फाइलिंग आइलिंग में भी काफी फाइट हो रही थी, हम लोग को फाइलिंग भी नहीं अलाउ कर रहे थे। फिर जज से कल परमिशन लेके फिर फाइलिंग की हम लोग को, उन्होंने परमिशन दी। अदरवाइज कोर्ट जो है वो फाइलिंग नहीं अलाउ कर रहा था हम लोग को लास्ट वीक से, वी वर ट्राइंग। फाइनली कल जज का जो परमिशन मिला उनके ऑर्डर के बाद, फिर हमने फाइलिंग करी कल, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड तारीख को, अलग क्या है। मेरे ख्याल से सेकेंड को जो है नेक्स्ट डेट है टेंटेटिव, सेकेंड को हम मेंशनिंग करके, और दूसरी पार्टी को ऑलरेडी हम सर्व कर चुके हैं कॉपी, और उस दिन फिर देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट डेट जहाँ तक मिलेगी, और थर्ड का हमने रिक्वेस्ट किया है सेकेंड या थर्ड, बिकॉज फर्स्ट का हॉलीडे है। तो सेकेंड को आज हम फिर कोर्ट में प्रेजेंट किया था, तो जज ने कहा कि सेकेंड को आप मेंशन करिए। तो सेकेंड को डेफिनेटली हम लोग कोर्ट जाएंगे, और क्या उसका रिजल्ट होगा, व्हाट विल बी द आउटकम, आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज प्रीवियस जो भी मैटर्स हमने काफी देखे हैं जहाँ काफी स्टूडेंट्स गए थे और काफी लोग जा चुके हैं, बट कुछ पॉजिटिव नहीं आता है कोर्ट से। इसलिए इस बार भी मुझे तो उतना नहीं था, बट बच्चों ने कहा, इसलिए आई थॉट कि चलो लेट्स ट्राई अगेन। हम लोग को कोर्ट से नेगेटिव भी काफी रिमार्क्स मिलते हैं। वी कीप ट्राइंग, वी कीप फाइटिंग फॉर स्टूडेंट्स। अगेन मूव द पीआईएल, और उसमें 75% क्राइटेरिया, और जो दूसरा आप लोगों का है शेड्यूलिंग, जेई मेंस जनवरी एग्जाम, ये चीजें जो है ये दो रिलीफ हमने मांगी है। और रीजन जो सब आप लोगों ने बताए, सारे वही रीजन उसमें दिए हुए हैं कि शेड्यूल जो है क्लैश कर रहा है जेई का विद अदर एग्जाम्स, वो सारी चीजें उसमें हमने रखी है। और होपफुली लेट्स सी, कुछ तो मिलना चाहिए रिलीफ, बिकॉज हर साल यही प्रॉब्लम आती है, और काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है, एंड वी ऑल नो कि बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं इसके लिए। तो आई डोंट नो क्यों इस तरह से हर साल जो है बच्चों को कोर्ट जाना पड़ता है, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। आई एम नॉट, नेवर इन फेवर ऑफ गोइंग टू कोर्ट फॉर स्मॉल स्मॉल इश्यूज। ये सारे इश्यूज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिजोल्व कर सकता है, बट उन्होंने नहीं किया। आप लोग काफी उनको अप्रोच किए, दे हैव नॉट रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। काफी लोगों ने, सभी ने ट्वीट किया, रिप्रेजेंटेशन दिए, बहुत सारी चीजें हुई, बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो फिर लास्ट ऑप्शन इज कोर्ट, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। फिर बाद में कोर्ट, ये भी व्यू होते हैं जजेस के कि आप लोग काफी लेट आए, तो उस बार ऐसे भी हो चुके हैं केसेस जहाँ जजेस ने डिसमिस किए पिटिशंस, दे हैव सेड कि यू हैव कम वेरी लेट। तो अब इमीडिएटली हमने इसलिए मूव किया, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो बट स्टिल, जैसे अभी प्रदीप जी आप सभी को समझा रहे थे कि यू ऑल कीप स्टडिंग, वो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपके एग्जाम जनवरी में हो या अप्रैल में हो, स्टडी तो करनी होगी। एंड वी कैन नॉट गारंटी क्या होगा कोर्ट में, वेदर डेट्स विल बी रीशेड्यूल्ड या बोर्ड को रीशेड्यूल करेंगे, वो वी हैव नो आइडिया। जेई को रीशेड्यूल कर देंगे या बोर्ड वो करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। हम लोग इसलिए ज्यादा ट्वीट और ये सब कैंपेन्स अभी नहीं कर रहे हैं, हम सब ने डिसाइड किया, मैंने, प्रदीप जी, सुखपाल सर, सभी ने, कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने भी बच्चों को बोला, ज्यादा आप लोग यूट्यूब वीडियोज, इतने सारे वीडियोज आते रहते हैं, चिल्ड्रन स्टूडेंट्स कीप शेयरिंग, बट आप लोग बिल्कुल भी अब वहां से दिमाग हटाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एंड लेट्स सी, लेट्स प्रे ऑल्सो क्या होगा आउटकम, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहे, रेस्ट जो भी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हर हर बार क्रिटिसिज्म होता है, उसके बावजूद भी हम लोग अपनी तरफ से हर बार कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सब कुछ जो भी हेल्प करनी होती है हम सब करते हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे सभी आपको बोलते रहते हैं कि आप लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई पर फोकस दें, फोकस करें, क्योंकि वही आपको जो है आगे हेल्प करेगा। तो बस इतना ही था जो मुझे अपडेट करना था प्रदीप जी। और लीगली देखते हैं अभी इसका क्या, केस तो बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट डेट्स क्लैश हो रहे हैं। अब उसको वो किस तरह से गवर्नमेंट एनटीए लेता है, वो बोर्ड को डायरेक्शन देंगे डेट चेंज करने की, या फिर
देंगे। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एसएसबी के भी एग्जाम है, सॉरी इंटरव्यू है, एनडीए एसएसबी, वो भी उनको चेंज करना होगा, आसाम बोर्ड है, सीबीएसई का है, काफी चीजें। बट मैं भी देखे बहुत से बोर्ड जो है शेड्यूल इन द मंथ ऑफ मार्च, सेकेंड वीक ऑफ मार्च, काफी सारे स्टेट बोर्ड, कुछ ही स्टेट बोर्ड हैं जो जिनके एग्जाम्स अभी हैं फेब में है। लेट्स सी अभी उसका क्या रिजल्ट है। ओवर टू यू प्रदीप जी। अनुपा जी आपकी वॉइस फिर ओके ओके थैंक यू। अच्छा मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही, आपने बोला थैंक यू अनुपा जी। अनुपा जी की बात को एक बार दोबारा मैं कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं आया था मैं क्लियर कर दूं, कि कई बार मुझे मैसेज किया कि कई बार बीच में हल्की सी वॉइस ब्रेक हुई है, तो अनुपा जी ने दोबारा से रिट्रेट किया है कि जैसा हम अक्सर बोलते आ रहे हैं कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है या हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, एंड हम अपने एंड पे जो जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहेंगे, सिंसियरली ट्राई करते रहेंगे। आपकी कभी जरूरत पड़ती है किसी कैंपेन में तभी आप शामिल हो जाइए, लेकिन 24 घंटे सोशल मीडिया पे ना रहें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बोला भी कि मेरे को एंजाइटी हो रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जनवरी के महीने में अगर आपको मान लो रिलीफ मिल भी गया तो उसका क्या फायदा होगा, क्योंकि वो तो जनवरी का महीने तो आप पूरा ऐसे निकाल देंगे एंजाइटी में या ना पढ़ाई करने में। तो आप हर दिन को ट्रीट करें एज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे, आप पढ़ाई करते रहें, बाकी जो लीगल ऑप्शन है अनुपा जी ने जैसे PIL फाइल करी है उसमें अगर रिलीफ मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पहले क्लियर भी कर दिया, चाहे वो 75% क्राइटेरिया वाली बात हो, चाहे वो जी मेंस इन अप्रैल हो, उन्होंने केस को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने जो प्रेयर है उसको डिटेल में पढ़ा भी है, तो शी हैज लेफ्ट नो पॉइंट्स यू नो नॉट कवर्ड, शी इज कवर्ड एवरी पॉइंट। तो होपफुली अगर रिलीफ मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, बट यू नो whether यू गो टू अ कोर्ट और whether यू रिप्रेजेंट अ केस, यू नॉट श्योर कि व्हाट इज द आउटकम गोइंग टू बी, तो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम प्लान पे कर रहे हैं हम करते रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड ना करें। इसको बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं ऐसा हो कि अगर आपको रिजल्ट हमारे फेवर में ना आए तो आपका टाइम एक भी दिन वेस्ट हो, सिर्फ कैंपेन में जब आपको लगे तभी पार्ट लें, अदरवाइज अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया। मैंने अभी सुखपाल भाई को रिक्वेस्ट भेजी थी और आई थिंक मिस्टर पवन बडाना ने भी ज्वाइन किया, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट भेजी, या जिसको भी रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ अगर वो उनको भी नजर नहीं आ रही तो वो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इन द मीन टाइम वी हैव गौरव, तो ओवर टू यू गौरव जी, आप भी कुछ बताएं कि आप कैसे हमारे बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं और अब आगे क्या आप मीडिया के थ्रू हमारी मदद कर सकते हैं। ओवर टू यू गौरव जी, गौरव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जी प्रदीप जी नमस्कार, अनुभव मैडम नमस्कार, नमस्कार सभी का सहयोग, जी जी बच्चों का सहयोग लगातार आप लोग बनाए रखे हैं। अनुभव मैडम ने जो है अभी मुझे एक PIL सुबह सुबह दी थी तो मैंने अपने संवाददाता को भेजा इसको खबर पब्लिश कर दीजिए, और बहुत अच्छी बात है कि PIL एक्सेप्ट हो गई है और उसमें सुनवाई होगी जैसा जायज मांग बच्चों की तरफ से। आप सभी लोग एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट और मीडिया हाउस सभी लोग कर रहे हैं, जो जेन्युइन जो क्लासेज हो रहे हैं एग्जाम की वो सबसे बुरी बात वो है, और जो टाइम पीरियड बढ़ाने की बात थी कि अप्रैल जो है वो भी एक जेन्युइन मसला था। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जो सही बात अभी अनुभव मैडम ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि अपने को सभी बच्चों को पढ़ाई पे अभी बहुत फोकस करना है, और क्योंकि उसी से रास्ता उसी से जो है चीजों को सॉल्व होना है, और जो बाकी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे और जो बाकी इशूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए सभी लोग एक मुहिम को बनाया हुआ है। अगर आप समय भी देते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक समय फ्रेम टाइम फ्रेम बना लें उसको, शाम को 1 घंटे आधे घंटे, दिन में भी कभी आप कोई कैंपेन, लेकिन लगातार कंस्टेंट उसी पे अगर दिन भर जुटे रहेंगे तो आप अफेक्ट होंगे, मेंटली भी होंगे और बाकी लिहाज से भी होंगे, कमजोर होंगे, पढ़ाई से आप डिफोकस हो जाएंगे। आपका मसला रहेगा कि एग्जाम रीशेड्यूल ही हो, तो रीशेड्यूल हो ये हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सारे मीडिया के लोग चाहते हैं, एक्टिविस्ट चाहते हैं, मैडम देखी गई आपके लिए कोर्ट गई हुई हैं, तो उम्मीद है कि सबको कि कुछ ना कुछ एनटीए करेगा, लेकिन जो पिछली बार के जो हम लोगों के एफर्ट्स रहे हैं उसमें कई बार पानी फिर गया, सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया था, उन्होंने भी याचिका को खारिज कर दिया, तो और एनटीए का रवैया सबको पता है कितनी मनमानी एजेंसी है,
ऐसी एजेंसी तो फर्स्ट टाइम आई है, खासकर कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट की ऐसी कोई एजेंसी नहीं होगी जिसमें कोई लायबिलिटी ही नहीं है और ना कोई जवाबदेहिता उनकी कोई है ही नहीं है कि किसी चीज पे आप काउंटर करें और उन पे कुछ हो बताएं, उसका कोई सलूशन हो, बस आप अपना नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, उस पे डाउनलोड कर देते हैं, ना उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना कोई